रोड रोलर टायर के अंदर क्या होता है? रोड रोलर टायर के अंदर क्या होता है? क्या आप कभी दुनिया के लार्जेस्ट वाटरफॉल को देख सकते हैं? एक महिला जिसने अपनी खोई हुई अंगूठी गाजर पर उगी पाई। ऐसा देश जो करता है क्रिमिनल्स को इंपोर्ट। अगर आप भी इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए टॉप 10 हिंदी के साथ इस वीडियो में। 20. अगर हम कहें कि हमारे देश की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, दोनों की ही आंखों का रंग नीला। पूरी दुनिया में केवल 8-10% लोगों की आंखों का रंग नीला होता है और ऐसा माना जाता है कि सभी नीली आंखों वाले लोगों का कोई एक पूर्वज रहा होगा। कई देशों में रहने वाले ब्लू आइड लोगों के डीएनए पर रिसर्च करने से ये बात सामने आई कि उन सभी के आई कलर के जीन सीक्वेंसेस आइडेंटिकल थे। यानी 6,000-10,000 साल पहले किसी एक व्यक्ति के जीन में म्यूटेशन हुई जिसे फाउंडर कहा जाता है और उसके बाद आने वाली पीढ़ी के आंखों का रंग नीला होने लगा। उसके पहले तक सभी के आई का कलर ब्राउन रंग का ही कोई शेड हुआ करता था। 19. दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खुश रहने का डर सताता है। इस डर को शेरोफोबिया कहा जाता है। इस फोबिया में व्यक्ति उन सभी एक्टिविटीज को करने से कतराता है जिसकी वजह से उसे खुशी हो या उसके जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव आए। अजीब है ना, लेकिन ये सच है। 18. अगर आपको कभी समुद्र में दूर से दिल के धड़कनों की आवाज आए तो ये मत सोचिएगा कि आपको अपना जीवन साथी मिल गया है। हो सकता है ये किसी वेल के दिल की धड़कन हो। दरअसल समुद्र में रहने वाला ब्लू वेल दुनिया का सबसे विशाल प्राणी माना जाता है। इसका वजन करीबन 150 टन का होता है और ये 90 फीट लंबा हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कि इतने विशाल का जीव का दिल उतना ही बड़ा होगा। ब्लू वेल का दिल लगभग एक कार के साइज जितना होता है और वो इतने जोरों से धड़कता है कि आप उसकी आवाज 2 मील दूर से भी सुन सकते हैं। नंबर 17. क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश होने से पहले एक भीनी सी खुशबू क्यों आती है? ये बारिश की खुशबू होती है। दरअसल आप बारिश को सूंघ सकते हैं। वेदर पैटर्न्स एटमॉस्फेयर में अलग तरह की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जिनमें से एक हल्की स्मेल ओजोन की होती है। साथ ही बारिश के वक्त जमीन पर पड़ते बारिश के बूंद बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं जो कि जियोस्मिन नाम का मस्की स्मेलिंग केमिकल सिक्रीट करते हैं और उससे ही हमें बारिश की खुशबू आती है। 16. क्या आप जानते हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल को विजिट नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का बिगेस्ट वाटरफॉल जमीन की सतह पर है ही नहीं। जी हाँ, वर्ल्ड्स बिगेस्ट वाटरफॉल समुद्र की गहराइयों के अंदर है, यानी डीप अंडर वाटर। ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में मौजूद है और इसे सामान्य तरीकों से विजिट नहीं किया जा सकता है। इसे डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट कहा जाता है और इसका फ्लो नायग्रा फॉल से 2000 गुना ज्यादा है। 15. मैरी क्यूरी, जिन्हें मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, उनकी लिखी हुई किताबें आज भी रेडियो एक्टिव हैं। ये दुखद है कि उनकी मौत एप्लास्टिक एनीमिया से हुई और इस घटना ने उनकी रिसर्च पर भी गहरा असर डाला। रेडियो एक्टिव चीजों के संपर्क में रहने से न सिर्फ मैरी क्यूरी के शरीर पर प्रभाव पड़ा बल्कि उनकी बिलोंगिंग्स भी काफी हद तक प्रभावित हुई। आज भी उनके कपड़े, फर्नीचर और उनके रिसर्च बुक्स रेडियो एक्टिव स्टेट में लेड बॉक्सेस में रखे हुए हैं और करीबन 1500 सालों तक ऐसे ही रखे रहेंगे। 14. क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड्स में क्रिमिनल्स को इंपोर्ट किया जाता है? 2004 से नीदरलैंड्स के क्राइम रेट में इतनी कमी देखी गई है कि 2014 तक 23 से अधिक जेलों को बंद करना पड़ गया। इस समस्या के कारण कई जेलों की देखभाल करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। रोजगार की इस परेशानी को ठीक करने के लिए नीदरलैंड्स गवर्नमेंट ने 2015 में बगल के देश नॉर्वे से 242 इनमेट्स बुलवाए ताकि वो अपने जेलों को भर सकें। 13. आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आपने टैक्सी बुक की लेकिन ड्राइवर को रूट के बारे में आपको ही बताना पड़ रहा हो। हालांकि ऐसा लंदन में नहीं होता। आप लंदन की टैक्सी कैब ड्राइवर्स से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें सारे रूट्स के बारे में सब कुछ पता हो। दरअसल उन्हें ड्राइवर बनने से पहले एक सीरीज ऑफ टेस्ट देने पड़ते हैं जिसे द नॉलेज टेस्ट कहा जाता है। इसमें उन्हें 320 रूट, 25,000 स्ट्रीट्स और 20,000 लैंडमार्क्स को याद करना होता है। इसके बाद ही वो टैक्सी कैब ड्राइवर बन पाते हैं। ये सब कुछ याद करने में उन्हें करीबन 4 साल का वक्त लग जाता है। 12. क्या आप जानते हैं कि दवाइयों की बॉटल्स के ऊपर सील क्यों लगी होती है? ऐसा हमारी सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। मेडिसिन बॉटल्स पर सील 1982 में घटी एक दुर्घटना के बाद से लगना शुरू हो गई। इसमें शिकागो के 7 लोगों की पॉइजनिंग के कारण मौत हो गई थी क्योंकि उन्होंने टिलनॉल लेस्ड पोटेशियम साइनाइड खा लिया था। 11.
ब्यूटी और बीस्ट की ओरिजिनल स्टोरी 1740 में ही लिखी गई थी। इसे फ्रेंच नॉवलिस्ट गैब्रियल सुजैन बारबॉट डे विलेन्यू ने लिखा था। वैसे तो ये लड़कियों की फेवरेट स्टोरीज में से एक है, लेकिन जैसा इसे दर्शाया गया है ये उस तरह की फेरी टेल स्टोरी नहीं थी। मैरिया टाटर बताती हैं कि इसे लिखने के पीछे का मोटिव यंग लड़कियों को अरेंज मैरिजेस के लिए इनकरेज करने का था। एना स्ट्रेंज, क्या कभी ब्यूटी एंड बीस्ट का ये पहलू आपके जहन में आया था? नंबर 10, क्या आपने कभी किसी समुद्री जानवर को किसी इंसान की जान बचाते देखा है? सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज से एक आदमी ने छलांग लगाई। कमर टूटने के बावजूद भी उस आदमी की जान बच गई। हालांकि तब भी उम्मीद नहीं थी कि वो ज्यादा देर तक बच पाएगा। तभी एक सी लाइन ने उसके रेस्क्यू में मदद की। वो सी लाइन उस आदमी के नीचे तैरता रहा ताकि वो आदमी डूबे ना, जब तक सी गार्ड्स उस आदमी को बचाने ना आ गए। जानवरों की इस इंसानियत के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि पानी की बॉटल्स में एक्सपायरी डेट क्यों होती है? जबकि साफ ढंग से रखे जाने पर पानी कभी सड़ता नहीं, ना ही खराब होता है। दरअसल पानी की बॉटल्स पर मौजूद एक्सपायरी डेट उसमें मौजूद पानी की नहीं बल्कि बॉटल की होती है। एक समय के बाद पानी के वो प्लास्टिक बॉटल्स खराब हो जाते हैं और उनमें से पानी रिसना शुरू हो सकता है। क्या आपको ये बात पता थी? 8, एक कुत्ते की सूंघने की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो चम्मच चीनी को मिलियन गैलन्स पानी में सूंघ कर बता सकता है। शायद कुत्ते ओलंपिक साइज पूल से भी एक चम्मच चीनी सूंघ लें। नंबर 7, अच्छी देखभाल पाने के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी नखरे दिखाते हैं। ये बात चाइना के आई हिन नाम के पांडा ने सिद्ध कर दी। दरअसल जब फीमेल पांडा प्रेग्नेंट होती है तो वो अधिक खाती है और कम मूवमेंट्स शो करती है। ऐसा ही कुछ आई हिन ने भी किया। उसने बेहतर देखरेख पाने के लिए प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक किया, जिसे देखते हुए ज़ूकीपर्स ने उसे सिंगल एसी रूम में शिफ्ट कर दिया और मनचाहा खाना भी देने लगे। हालांकि डायग्नोसिस के बाद ये बात सामने आई कि आई हिन प्रेग्नेंट नहीं थी और उसने ऐसा सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया था। 6, भारत के लोग दुनिया में सबसे अधिक पढ़ते हैं। औसतन एक भारतीय हफ्ते भर में लगभग 10 घंटे 42 मिनट का समय केवल रीडिंग करने में बिताता है। 5, क्या आप जानते हैं कि उंगलियों को फोड़ते वक्त चटकने की आवाज क्यों आती है? कई लोग ऐसा मानते हैं कि हड्डियों के चटकने की आवाज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उंगलियों को फोड़ते समय फिंगर जॉइंट्स में फंसे गैसेस रिलीज हो जाते हैं। उन छोटे एयर बबल्स के अचानक निकलने की वजह से ही चटकने की आवाज सुनाई देती है। यूं तो उंगलियों को फोड़ना कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सेफ होता है, लेकिन ऐसा बार बार करने पर आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। 4, आप अपनी नाक को बंद करके गुनगुना नहीं सकते। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद कोशिश करके देख लीजिए। 3, क्या आपको पता है कि एक नींबू में एक स्ट्रॉबेरी से ज्यादा शुगर होती है? हालांकि एक कप स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस में एक कप नींबू के स्लाइसेस से ज्यादा शुगर होगी। कंफ्यूज हो गए? ऐसा सिर्फ उनकी साइज डिफरेंस के कारण होता है। 2, मैरी ग्राम्स को हमेशा बागवानी से प्यार था, लेकिन उतना भी नहीं जितना वो अपने पति से करती थी। इसलिए वो ये कहकर उसका दिल नहीं तोड़ सकती थी कि उसने बगीचे में अपनी शादी की अंगूठी खो दी है। इसके बजाय वो बाहर गई और एक सस्ता डुप्लीकेट रिंग खरीद लिया। चलो ये तो सही था, लेकिन उसके पति ने भी कभी नकली अंगूठी को पहचाना नहीं। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि घटना के 13 साल बाद अंगूठी उसी बगीचे में उगने वाले गाजर पर फिर से निकल आई। 1, क्या आपने कभी सोचा है कि रोड रोलर टायर के अंदर क्या होता है? रोड रोलर्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, लेकिन आखिर उसके टायर्स बनते किसके हैं? रोड रोलर्स की विशाल टायर्स मोटी स्टील शीट्स को बेंड करके बनाए जाते हैं। इसमें 2 या 3 रोलर्स आपस में वेल्ड किए जाते हैं और एंड में छोटे रोलर को स्टील कवर से पैक कर दिया जाता है, जिससे सभी आपस में अच्छी तरह से जुड़े रहें। यानी इन बड़े रोड रोलर्स में स्टील के छोटे खोखले रोलर्स होते हैं जो कि टायर्स को वजन और आकार देते हैं। यहां तक हमने नए रोड रोलर्स के बारे में जाना, लेकिन अब हम आपको पुराने रोड रोलर्स के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि पुराने रोड रोलर्स में स्टील बैलास्ट नहीं हुआ करते थे? उनमें वजन देने के लिए गीले बालू और पानी का इस्तेमाल किया जाता था। इससे उन्हें बेटर वेट और कॉम्पैक्शन मिलती थी। ट्रैक्टर्स में भी इसी तरह से पानी और सैंड का उपयोग किया जाता था और इसे वाटर ब्लास्टिंग कहा जाता था, क्योंकि पानी डालने से उन्हें वजन तो मिलता ही है, साथ में टायर्स बालू या मिट्टी में स्लिप होने से भी बचे रहते हैं। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।